ग्वालियर शहर के हजीरा थाना क्षेत्र में नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अनन्या के परिवार के लोगों का कहना है कि बेटी के साथ मारपीट की जाती थी और दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। वहीं अनन्या के पति विपिन ने पुलिस को सूचित किया है कि उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तेरा भी क्या बताया? वो उनका कहना ये है कि हम घर पे थे ही नहीं। घर पे हाँ, तो कैसे बताने, कैसे क्या सुसाइड किया? इन्होंने हमें कॉल किया, उसके एक डेढ़ घंटे बाद जब उसका कॉल कटा हम परेशान हुए, हमने इधर उधर लगाया इनके रिलेटिव्स को फ़ोन, फिर इनका ही फ़ोन आया कि वो आपकी लड़की रही नहीं, फांसी लगा दी। कारण सर ये था कि हम दहेज के लिए मांग कर रहे थे कि एसी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए हमें, और पर डे इस पर प्रताड़ित किया जाता था कि हमें इतना और चाहिए। उसका कारण क्या था? और कोई कारण भी वजह भी थी? कारण इसका ये भी था कि इसका लड़के का कहीं अफेयर चल रहा था, इस वजह से इसे और भी प्रताड़ित किया जा रहा था बच्ची को। जो अभी 23 फरवरी 2023 को शादी हुई थी, उन्होंने घर पे फांसी लगा ली थी, तो अभी मृत्यु हो गई। आरोप लगाया अभी जो घर वाले बुलवाए थे, मारी पशु वाले आ गए, पिताजी और अर्जुन आए थे, उनका यही कहना था कि ये लोग परेशान करते थे और इन लोगों ने परेशानी कारण उसमें बच्ची ने फांसी लगा के आत्महत्या की।